का स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। प्रेगनेंसी रुकने के लिए अक्सर महिलाओं को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अगर वो गलतियां कर रही हैं उसको सुधारने की ज़रूरत होती है। अब कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के समय और इम्प्लांटेशन के समय कुछ ऐसी छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं जो कि आम दिनचर्या में लोगों से हो जाती हैं, कुछ ऐसे टिप्स भी होते हैं जो कि आपको अपने ओवुलेशन के समय से लेके इम्प्लांटेशन तक तो करने होते हैं, क्योंकि पता नहीं कि इम्प्लांटेशन कब हो रहा है ओवुलेशन कब हो रहा है, लेकिन वो डेट तो पता है कि आपके डेट कब आए हैं, पीरियड कब आया है वो आपको पता है। अब उसी समय से अगर आप चाहते हो कि उस महीने प्रेगनेंसी रुक जाए तो आपको ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने हैं। जैसे क्या, जैसे कि लेग अप दी वॉल पोजीशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि लेग अप दी वॉल जो एक्सरसाइज है वो कैसे बेनिफिशियल है गर्भ को रुकवाने में। देखिए, लेग अप दी वॉल एक्सरसाइज आप एज एक्सरसाइज भी कर सकते हो और वो आप उन दिनों में जब आप ट्राई कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो, वो सेल के स्पीड को बढ़ाती है जबकि वो एग से जाके जो मिलता है तो वो एक तो हेल्पफुल होता है। लेकिन एज एक्सरसाइज कैसे, जैसे कि आपके डेट ख़त्म हो गए हैं, पीरियड ख़त्म हो गए, तो आप रोज़ाना 5 मिनट तक लेग अप द वॉल पोजिशन में रहते हो, एक्सरसाइज के तौर पर करते हो, तो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो यूट्रस हो गया, फिलोपियन ट्यूब हो गया, वो उसमें जो रक्त का प्रवाह है वो सुचारू रूप से होगा। कई बार आपने सुना होगा कि जो रक्त के प्रवाह से यूट्रस जो है, फिलोपियन ट्यूब जो है, वो इफ़ेक्ट होने लगता है, सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, नसों में जो है ब्लड सर्कुलेशन सही होने से बॉडी सही से फंक्शन करता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसके बाद जो हिप्स का, बैक का एरिया है, अगर पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पीरियड्स के दौरान, ओवुलेशन के दौरान, तो वो भी सही होता है इससे। दूसरा है हेयर वॉश को लेके, कि हेयर वॉश कैसे फॉलो करना है। तो हेयर वॉश जो ट्रिक होता है वो आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो मंथ है, ओवुलेशन से तो नहीं लेकिन इम्प्लांटेशन से लेके डेट मिस होने तक आपको या तो हेयर वॉश बहुत कम करना है, और अगर आप कर रहे हो, जैसे कि अभी समर सीजन है तो हेयर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो आप कम कर सकते हो, पूरी तरीके से बंद तो नहीं करना लेकिन कम कर सकते हो, क्योंकि गर्मी का सीजन है, स्कैल्प बहुत गंदे होते हैं, बिना सर से नहाए नहीं रहा जाता है बहुत सारी महिलाओं को, तो अगर जो रोज़ नहाती हैं सर से, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि उनको कम कर देना है, जिससे कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ना हो। वैसे समर सीजन में कॉन्ट्रैक्शंस कम होते हैं हेयर वॉश से, अगर ठंड का दिन हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है हेयर वॉश पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।